हेलो एवरीवन आज का जो वीडियो है वो एक लर्निंग वीडियो है जिसमें हम डेज़ ऑफ द वीक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आज हम सिर्फ डेज़ ऑफ द वीक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को टू पार्ट में कंप्लीट करेंगे पहले में हम डेज़ ऑफ द वीक के बारे में जानेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं ना उनको सॉल्व करेंगे ठीक है जिससे कि आपके जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाए और आपको जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए आप हमारे साथ साथ ख़ुद भी इन सवालों को सॉल्व कर सको उसके लिए जरूरी है कि आपको इनकी नॉलेज हो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं ये जो मतलब डेज ऑफ द वीक है ये मोस्टली होता है फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए होता है उसके बाद तो बच्चे नॉर्मली सब चीज़ जानते हैं ओके okay, तो हम स्टार्ट करते हैं दे आर आर सेवन डेज़ इन अ वीक ठीक है वन वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज होते हैं ठीक है दे आर आर सेवन डेज इन अ वीक अगर आपके पास इस तरह का सवाल भी आता है कि वीक में कितने डेज होते हैं तो आप लिखोगे दे आर आर सेवन डेज इन अ वीक तो डेज़ के नाम क्या हैं दिस डेज आर मंडे आपको लर्न तो होने ही चाहिए साथ में उसकी स्पेलिंग भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है तो आपको लर्न होगा पर आप लिख नहीं पाओगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी स्पेलिंग लर्न करना मंडे एम ओ एन डी ए वाई मंडे ठीक है एम ओ एन डी ए वाई मंडे मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक वीक का फर्स्ट डे क्या होता है मंडे होता है मंडे uh, से स्टार्ट होता है सैटरडे संडे तक और उसके बाद जो लास्ट के सैटरडे संडे होते हैं वो वीकेंड होते हैं छुट्टियों के दिन होते हैं और उसके बाद मंडे से वापस से स्टार्ट होता है ठीक है तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है मंडे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डे ऑफ वीक तो आप क्या बोलोगे मंडे एम ओ एन डी ए वाई मंडे ट्यूजडे मंडे के नेक्स्ट ट्यूजडे आता है तो ट्यूजडे हमारा सेकेंड डे होगा ओके फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे ट्यूजडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक थर्ड ओके तो ट्यूजडे की स्पेलिंग क्या है टी यू ई एस डी ए वाई है ना डे की स्पेलिंग तो डी ए वाई होती ही है ये आपको लर्न होगा साथ में आप डे के आगे टी यू ई एस ट्यूजडे है ना टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे ऐसे ही मंडे के आगे अगर आप एम ओ एन जोड़ के डी ए वाई लिखते हो मनडे एम ओ एन डी ए -E वाई मंडे टी यू ई -E एस -E टी ए वाई ट्यूजडे वेडनसडे में डब्ल्यू ई डी एन ई एस टी ए वाई वेडनसडे डब्ल्यू ई डी एन ई एस टी ए वाई ओके आपको अगर आप एक साथ पढ़ने के बजाय उसको थोड़ा टुकड़ों में करके लर्न करोगे तो आपकी स्पेलिंग जल्दी लर्न होंगी है ना जैसे ट्यूसडे में आप टी यू ई एस और डी ए वाई डी ए वाई मोस्टली सपोर्ट लर्न होती है स्पेलिंग और उससे पहले जैसे ट्यूसडे का है वेडनेसडे तो डब्ल्यू ई डी वेड एन एस डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनसडे ओके वेडनेसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक ठीक है वेडनेसडे कौन सा डे होता है थर्ड डे ऑफ द वीक फ्राइडे सॉरी थर्सडे थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक वेडनेसडे के बाद क्या आता है थर्सडे आता है टी एच यू आर एस डी ए वाई टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक है ना मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे उसके बाद आता है फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे फ्राइडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक ठीक है सैटरडे एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे सैटरडे इज द सिक्स डे ऑफ द वीक ठीक है और नेक्स्ट सन्डे एस यू एन डी ए वाई सन्डे संडे इज द सेवंथ डे ऑफ द वीक संडे इज़ द सेवेंथ डे ऑफ द वीक एस यू एन सन डी ए वाई डे सनडे इज़ द सेवंथ डे ऑफ द वीक अगर आपको डेज दे, के जो नेम हैं वो लर्न होते हैं तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड होगा मंडे ट्यूजडे वेट्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपको कंटिन्यू लर्न करना है एक के बाद एक जिससे कि आपको आ, उसका जो ऑर्डर है वो पता हो कि मंडे के बाद क्या आता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है फिर नेक्स्ट डे क्या होता है है ना अगर आपको इस तरीके से पता है तो आपको जो वर्कशीट्स हैं वो सॉल्व करना ईजी होगा नेक्स्ट क्या है प्रजेंट डे इज़ टुडे ठीक है जो प्रेजेंट डे है मतलब जो आज का दिन होता है जो आज दिन है उसको हम लोग टुडे कहते हैं प्रेजेंट डे इज़ टुडे ठीक है today, जो आज का दिन होता है वो होता है टुडे डे बिफोर टुडे इज़ द प्रीवियस डे यस्टरडे ओके तो डे बिफोर टुडे इज़ द प्रीवियस डे येस्टरडे ठीक है टुडे से जस्ट बिफोर जो डे आता है उसको हम कहते हैं प्रीवियस डे मतलब कि यस्टरडे मतलब कि जो कल बीत चुका है मान लीजिए आज संडे है तो संडे से पहले सैटरडे होता है तो जो सैटरडे है वो हमारा प्रीवियस डे हो जाएगा यस्टरडे हो जाएगा ठीक है आज मंडे है तो मंडे से पहले संडे आपका बीता तो जो संडे है वो हमारा प्रीवियस डे मीन्स यस्टरडे हो जाएगा ठीक है तो जो टुडे है टुडे से जस्ट बिफोर जो डे आता है उसको हम प्रीवियस डे यानी कि यस्टरडे कहते हैं ठीक है डे आफ्टर टुडे इज द फॉलोइंग डे टुमारो ठीक है डे आफ्टर टुडे मतलब आज से जो आफ्टर यानी कि कल आज से टुडे से जस्ट आफ्टर जो डे आता है उसको हम टुमारो कहते हैं है ना टुडे से जस्ट आफ्टर मतलब आज है तो आज के बाद जस्ट जो कल डे आएगा वो हो जाएगा टुमारो ठीक है यानी कि आने वाला कल जो होता है उसको हम टुमारो कहते हैं और जो बीत चुका होता है डे उसको हम यस्टरडे कहते हैं ठीक है तो आपको इसकी जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो गई होगी डेज ऑफ द वीक तो आप मतलब इस वर्कशीट को कंप्लीट करने से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं डेज के नेम डेज की स्पेलिंग है ना एंड टुडे यस्टरडे और टुमारो इनकी जो नॉलेज हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे जिससे कि आप भी इस वर्कशीट को साथ ही साथ कंप्लीट कर सको और आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे लास्ट करते हैं ठीक है क्लोज करते हैं और नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे ये जो वर्कशीट है ना इसको कंटिन्यू करते हैं तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव नाइस डे